ਜੇ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜੀ, ਬਾਗ ਸਹਿਣ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਸਦਕਾ। ਮੀਸਮੇ ਤਮਾਰ ਕਹਤੇ ਥੇ ਜ਼ੁਬਾਂ ਕਟਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ, ਮੀਸਮੇ तमार कहते थे जुबां कटने के बाद, क्या मैं अली पर गुफ्तगू करने के काबिल हो गया। भाई अल्लाह जिंदगी करे बड़ी, आदिल दहर ने क्या आदिल किया है देखो। अच्छा एक और कर, एक कदा और पढ़ता हूँ, बस बस फिर मैं ये पढ़ के किसी ना पढ़ा, तुम सुनते ही एडा सोना दिल करता बंदा पढ़ता ही। आंधी कभी बारिश कभी तूफान का आलम, आंधी कभी बारिश कभी तूफान का आलम, हर दौर में मौसम के तगैयुर से लड़ी है। अल्लाह आपको सलामत रखे। आंधी कभी बारिश कभी तूफान का आलम, हर दौर में मौसम के तगैयुर से लड़ी है। 1400 बरस बीत गए इश्के अली में, टूटी हुई दीवार भी पैरों पे खड़ी है। सलाम, पूरी ताकत, पूरी ताकत आ रहा है नारी। आदिल दहर ने क्या आदिल किया है देखो, उसकी तकसीम ही दुनिया से नियारी निकली। तुमने काबे पे जमा रखा था कर्जा, फिर भी चार दीवारों में से एक हमारे। सर जिद्दी बंदे का कोई इलाज नहीं। अच्छा जिद्दी बंदे तो जनाबे सरवरे कायनात को नहीं मने, जिद जो कर गए थे पढ़ ले ये ना, नहीं छड़ी जिद। मैं शिया कौम का सब तो छोटा जाकर, मैं स्पीकर ते आख रहा भाई इमरान के कान च नहीं, अपने भाईजान के कान च नहीं, बजुर्गों ने अपने शहजादे के कान च नहीं, कासम के कान च नहीं, फैसल के कान च, बुजुर्गों के भाईजान मेरे सामने बुजुर्ग जाकर तशरीफ कर। मैं देर ना पछाड़िया, मैं माफी चाह, नहीं मैं माफी चाह, सीनियर हो तुम, अल्लाह तुहाडा साया सलाम। मैं स्पीकर ते आखण लगा, मान ना मान तुझे बोझ जलाता होगा, तुम सलामत रखे। मान ना मान तुझे बोझ जलाता होगा, मान ना मान तुझे बोझ जलाता होगा, मान ना मान तुझे बोझ जलाता होगा। आखे कदो जी, मैं दसां तुझे बोझ जलाता होगा, चेहरे को दिखाता होगा। अल्लाह ऐसा इजाफा करे, बिस्मिल्लाह करा, एक सलवात सारे बड़े बाबा से बुलंद। मैं पूरी जिम्मेदारी नाल गल कर रहा, मेरे अपने बैठे हो सारे, अल्लाह तुहाड़ी बादशाहियां सलामत रखे। मैं कोई ऐसा जुमला नहीं आखना दाद वास्ते जिहड़ा मैं अपने शिया कौम वास्ते परेशानी का सबब बन जाऊं, मुझे नहीं चाहिए ऐसी दाद। बहुत ही लंघ गई है, थोड़ी रह गई है, इज्जत नाल पढ़ के मालक कोल जाइए। रौला पिया मालिक तुहानूं सलामत रखे।
पूरी जिम्मेदारी नाल मैं गल करांगा, दो ही वड्डे घर हैं पूरे अरब विच, एक जनाबे अबू तालिब दा, एक बीबी खदीजा दा, बाकी तो सारे कमी सन। अल्लाह तुहाडा साया सलामत रखे, ईमानां नूं वाला कामयाबी अता जी। किबला मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा, दो ही वड्डे दस्तरखान सन, नबी अबू तालिब दा, बीबी खदीजा दा। एक किताब है मलिकतुल अरब, वो हर आम किताब है, मिल जाती 20-25 सफ़ात पे मुश्तमिल, ये साइज है मलिकतुल अरब। वो लिखते हैं इतना बड़ा दस्तरखान है बीबी खदीजा दा कि 2500 औरतें पकाने वाली हैं, 2000 मर्द खुआन वाले हैं, बर्तन सोने दे। अच्छा मेहमान आए थे ना, तो पूछना नहीं तू कलमा पढ़े है कि नहीं पढ़े है। बंदे जाहिल ना, सो इतना बड़ा दस्तरखान किस तरह बीबी खुआंदी सी। हुसैन बादशाह ने बड़ा सारा दस्तरखान ला के दसिया, मेरी नानी इंज खुआंदी सी। थोड़ी अला जिंदगी करे, मैं बिस्मिल्लाह कर। मेहमान आए, दस्तरखान बिछ गया, मशरूब आ गया, शरबत। ये साढ़े घर गिलास है ना बादशाह इमरान, इन्ने नहीं गिलास, नहीं और भी गिलास। ये तुम कभी ग्वाल मंडी लस्सी पीते हो जाके, अल्लाह जिंदगी करे तुहाड़ी। शरबत पीता, गिलास रख दिता, दूसरी टीम आई, उस प्लेट यानी जिवें साड़ी परात है उन्हां दी प्लेट, परात प्लेट चमचा गिलास, वो गिलास धोना नहीं, धो के फिर रखना ना, वो प्यार रहे सालन ला के सालन पाया, खुबस रखिया, ठंडा पानी शुरू करो जी, खाना शुरू किया, की चाहिए सालन जी, बिस्मिल्लाह लो जी, खुबस लो जी, खा के रज गए। छोटियां प्यालियां आ गई ग्रीन टी वाली, सबज कावा, सबज कावा पीता, दुकान उठ के टुर पे, तवज्जो तवज्जो तवज्जो। 5-7 दिन गए, नौकर आखे आओ भाई किधर, उजी खा लिया फुल हो गए, बस वापस आओ, ये अपने बर्तन नाल लेके जाओ। साड़ी मखदूमा खदीजा दियां कनीजा ऐसिया नहीं जेड़े तुहाडे जूठे बर्तन धोन। अली अली सलामत रखे। इसी तरह ही जनाबे अबू तालिब दा दस्तरखान, मर्दा ने उठ के सवेरे सवेरे आना जनाबे अबू तालिब दे डेरे ते, हाँ जी उत्थे नाश्ता भी करना, दोपहर भी खानी, रात डिनर भी करना, कावा शावा पी के फिर जाना। औरतां ने बीबी ने मुसल्ले ते होना, मखदूमा फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा, औरतां ने आ जाना, बीबी बच्चियां, बीबी ने कनीज़ रखना, दियो दियो इन्हां नूं, तो जाओ जाओ खाओ जाओ जाओ, शाबाश। 13 रजब बहुकमे परवरदिगार, मेरी मखदूमा इमरान दा वेड़ा छड़ के रहमान दे वेड़े दे पासे टुरी है। तुहाडी अल्लाह जिंदगी करे, बिस्मिल्लाह करे। हुण औरतां जिहड़ियां रोज आंदियां सी ओह सामने आई, उन्हें खल मर गई, आई तो साढ़े बच्चे भुखे मर गए, बीबी तो कितने एड्डी जल्दी भेजाते ने। उसका ठहर मैं गल करी अगे हुई, बीबी खैर ना लिया, जितनी जल्दी भेजा रहे तुम तो कभी छेती तुरे ही नहीं, आज क्या हो गया। बीबी आके क्यों हट जाओ, क्यों मैं उठाए हुए जल्दी से कदम जाती, मैं उठाए हुए जल्दी से कदम जाती।
نہایت شکریہ سر اللہ اس طرح اضافہ ایک سلوات سارے بڑھو باغاز بلند میں تھوڑی دعا نال 1975 پہلا حج کیتا ہے اچھا پھر مینوں یاد ہی نہیں میں کنی دفعہ مکہ شریف گیا نہ مدینہ شریف گیا پھر میں خانہ کعبہ دے غسل بھی شامل ہوں پھر میں 18 دفعہ دا زوار ہاں جی وہ میں 2-3 سال پہلے چک شیعہ سونے دا تاج ملیا سی نیٹ تے موجود ہے وہ میں پھر میں تے اندر ہوں میں بالکل ہی خاص میں کیا گھر دے نال گل کی تھی انہوں نے کیا کہ شکر ہے بس اسی بی پاک چلے ہیں ادھر بات چلے گئے میں انہوں نے کیا میں کہا تاج سائی دینے مالکاں نوں تو میں پھر 2 سال پہلے گیا ہوں وہ تاج میں جا کے امام حسین دے ذریعے تے رکھا میں کہا جی تاج تہانوں سائی دینے میرے گلے چھوٹا جا پٹا ہی پا دیا تہاڈی اللہ زندگی کرے بہت خوبصورت شعر میں پڑھ لیا جی اس لیول تے آ گئے تہاڈی مہربانی ہے گھردیاں نوں پہ سن دیو میں مشکور ہوں تہاڈا قبلہ زاکر صاحب بزرگوار قبلہ قبلہ شعر سننا عمران جی بھائی جان کوئی تمہید نہیں ہر سال جانا ہے 10 اچھا سنی بھائیوں واسطے میرا تو خاندان سنی وہ انہوں نے اس تو وڈی قسم کوئی نہیں بھائی تہانوں دنیا ویکھ رہی سچی گل کری تینوں اللہ دی قسم اللہ دے رسول دی قسم رسول پاک دے باب وفا صحابہ کرام دی قسم اچھا اس تو وڈی قسم کوئی نہیں ہونا کوئی گل سچی کریں میں چھوٹا جا ذاکر حسین بادشاہ دا سپیکر تے آکھ رہا حج میں توہین کے مرایا جو جب دے اللہ عزت اضافہ کرے گا آپ کے کیا کہنے ہیں اچھا قصیدہ میں پڑھنا نہیں سی پر ہوں میرے بانی دا حکم ہے ہر جانے لکھا میں سب سے چھوٹا جا کر میں حاضر ہوں گا نا میں پوری مائنس بی بی خدیجہ کوئی علیحدہ ایک سبجیکٹ ہے علیحدہ ایک مضمون ہے تو میں میری شروع تو عادت ہے میری کہ میں جو شروع کروں نا میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ لے کے جاؤں اس کو آخر تک ایک قصیدہ پڑھا ایک میرے بھتیجے دا حکم بھائی جان دے بڑے بیٹے دا کی نام تھا زین العابدین صاحب ماشاء اللہ انہوں نے کہا نہیں انکل آپ نے نا غازی سرکار کا مصائب پڑھنا ہے میں کہا بیٹا میں قصیدہ بھی وہی پڑھوں تو ہوں ایک قصیدہ ایک بانی دا بابا جی وہ کہنا ٹور ہے کہنا جا بھائی ٹور ہے یہ بچپن دے ساتھی کوئٹا دے رتیاں سہیدا دے انہاں نوں کنے منع کرنا جناب تو قصیدہ جناب میرے ابو جان دا میرے بھائی دا حکم کہ قصیدہ پڑھ او بسم اللہ جناب 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 بسم اللہ آجا 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 ایک صلوات سارے پڑھو با آواز بلند محمد بہترین ذاکر اہل بیت میں تہاڈی بڑی اچھی عادت ہے ویکھو ذاکر پسند نہیں ہونا ذکر پسند ہونا تے تسی میں بنانا جی یہ بڑا تے چھوٹا ہے بھائی جان مادر حسین دے کاغذ پتہ نہیں کیڑا قبول ہے ہر برل ویخ کے دے نا مرعوب ہو جائے کر وہی راڈو ویخ کے 2 دن جا کر جدا بھی ہوئے گھر بہ جائے وہ منہ اتنے رہ جا اللہ بھیج پائے تو ٹکر کھائی میں مولا دی گل میں انہوں سارے دے یہی حال جی میرے پتہ ہے میرے سامنے تو بڑے نے بیچارے اللہ تمہاری زندگی کرے میں بہت خوبصورت بات ہے کہ ذکر پسند ہو تسی میں قبلہ
भाई का हुक्म की तामीर कर एक सी तो थोड़ा जो साहब मैं तुम्हें मैंबर पाक तुहाड़े हवाले कर दिया तुम दुआ कर देना मैं थोड़ी दुआवां दे साए ड्यूटी तक पहुँच जाऊँगा। अबू जान का कसीदा बहुत तो बहुत दफा सुनिया तुम उन्होंने को भी और बाकी जाकरीन भी मेरे को भी तो मैं हुक्म है मैं पर्स कर लगा हर जाय अली अली ए 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 हर जाय अली अली हर जाय अली अली बड़े अल्लाह सुन जी बड़े अली अली हर जाय अली अली ए ना तू यकीन नहीं अली हर जगह पे मौजूद है अली बादशाह थे भी मौजूद थे सादात मेरे सादात दाई करो आवाज़ बुलंद करके नारा है लाली हर जाय अली अली ए हर जाय अली अली ए हर जाय अली अली ए खोके खाया रज नहीं हुंदा खोके खाया रज नहीं हुंदा नंगा पिंडा कज नहीं हुंदा दिल विच बोगज अली दा होवे पेंड ही पेंड हज नहीं हुंदा मेरा मुहम्मद बोलता नहीं जब तक मैं ना खां उस ज़ुबान दे शादे अला मदीनतुल इल्मे बा अली जुन बाबुहा मैं इल्म दा शहर हां अली उसका दरवाजा है तो फिर बंदे दा पुत्र बन दरवाजे दे रस्ते आ कंधा टप्पण वाले चोर होंदे नी हर जाय अली अली है पूरी ताकत नाल है ना है ना फिक्स नहीं लाइव चल रही है ना जूम कर जरा सोना बड़ा मैं करी करी जूम करी मेरा पुत्र अल्लाह इसका इजाफा करे जे देखो सर मैं माफी अल्लाह तुहाड़ियां इमारतां सलामत रखे बड़ियां बादशाहियां सादात दियां कायम रहा तुहानू कसम लगे अज दी रात दे जिक्र दी जे मैं गलत गल करा तुसी मैनू छुड़ाना नहीं ना मेरा कोई हक नहीं मैं मिंबर ते खलो के गलत गल कर जा फरलू मार जा मेरी चिट्टी दाढ़ी है मैं को रोड के छड़ के टोर चले देखी मेरे वाले गंदा कालियां कर दितियां नी ओए बंदा जिन्नू मन्ने फिर ओदी मन्ने ना होवे मैं जिम्मेदार हां ना मैं तुसी बाहर जान नहीं देना जो फिरा सजा देन मैं भुगतण वास्ते तैयार हां बंदा जिन्नू मन्ने फिर ओदी मन्ने हर जाय अली अली ए हर जाय अली अली ए हर जाय अली अली तुसी जवान मेरा बर्दाश्त करना मेरा गुस्से रे बड़े अली अली ए हर जाय 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 हर जाय अली अली हर जाय अली अली हर
अल्लाह साया अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद। जितने बैठे हो तुहाडे मरहूमीन दे दर्जात दी बुलंदी वास्ते बाबा से बुलंद सलावा अल्लाह तुहाडी जिंदगी करे। मिसरे बड़े ज्यादा अबू ने लिखे मगर मैं एक पढ़ांगा चूंकि ज्यादा टाइम ही ना पढ़ जाओ सोना पे सुन दो तो कह बाद चुके तुहाडे अपने घर पर पढ़ दसो सारी कापी पढ़ के बाजी गए। मैं नहीं चाहता अल्लाह तुहाडी जिंदगी करे। एक मिसरा मैं होर पढ़ लगा हर जाए अली अली ए 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 मोमिन दी हर खुशी विच नारा ए हैदरी विच मुनकर दी कप कपी विच हर जाए अली अली अल्लाह तुहाडी जिंदगी मालिक इज्जतां च इजाफा करे। मेरे वास्ते हुक्म है कि थोड़ा जा बाबुल हवाइज दा मसाइब पढ़ना मैं कुछ होर पढ़ना है वक्त दे मज़मून मैं नहीं छेड़दा मैं बेउस्तादा जाकर ही नहीं किबला जो सिखिया तुहाडे कोलों किबला वक्त दा मज़मून आखिरी जाकर पढ़दा ते मैं ही पढ़ना आखिर। सैयद ने सरदार ने मेरे चाचे दा पुत्र है अली रजा खोखर साहब नजम साहब मतरीन जाके कसीदा में पढ़ा। बेटा है अगर बाप की जागीर का वारिस अल्लाह करके मेरी आवाज सऊदी अरब तक पहुंचे। बेटा है अगर बाप की जागीर का वारिस लगाओ ना काबे की छत पर अलम अब्बास का। ओहो मकाम बाबुल हवाइज दो किबरी आई जर्फों का अक्कास ले लिया। कदा सुना जी दो किबरी आई जर्फों का अक्कास ले लिया दो की कमी में एक का एहसास ले लिया। जहरा के लोहे अम्र पे लिखे थे दो पिसर दोनों नबी को दे दिए अब्बास ले लिया। चार शाबान मदीने दा शहर अली बादशाह दी हवेली बीबी फातिमा कल्लाबिया दी इस्मत माँ गोद जिस च बाबुल हवाइज गाजी अब्बास नाजिल हुए। नाम है फातिमा कल्लाबिया सलामुल्लाह कुनियत है उम्मुल बनीन पुत्रां दी मां। हुण मेरे बुजुर्ग बैठे हो बुजुर्ग जाकिर बैठे ने अल्लाह बुजुर्गों का साया जवान बैठे हो बच्चे बैठे हो मैं उस बीबी दे मुतल्लिक क्या लब कुशाई करां जेड़ी मुंतखबे जहरा होवे। जेड़ी इंतखाबे बतूल होवे। तशरीफ ला मैं कसीदा पढ़ा लंबी गल। उम्मुल बनीन गोद में है खूबियों की हद। उम्मुल बनीन गोद में है खूबियों की हद यारब कोई लगाए न बच्चे को नजर बद। काफिया देख रहे उम्मुल बनीन गोद में है खूबियों की हद यारब कोई लगाए न बच्चे को नजर बद। आते ही कायनात में एक मौजूदा हुआ अब्बास ने अली से कहा या अली मदद। अल्लाह सही थोड़ी अल्लाह जिंदगी करे सैयदा तो सलाम। अच्छा जी चार शाबान ये वड़े ने मेरे तुसी माशाल्लाह जदों अल्लाह तुहानू तौफीक देवे चार शाबान नू अगले साल उठना ना फजर दी नमाज जल्दी सोना है जल्दी उठना है हो सके तो दो रकातां ही पढ़ लैणियां
हां बेटा जरूरी है, जन्नत वास्ते नहीं पढ़नी, जन्नत कुछ नहीं है, जन्नत है। एक बच्चा मेरी गल समझ गया, मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाए। फजर की नमाज पढ़ के ना, तो फिर माशाल्लाह सारा अलम लगे पे ने बड़े प्यारे खूबसूरत, तो अलमा फिर वेखना, फिर तुम कहो भी जाकर नवीद आशिक गल ठीक कर गया से। ठीक है, वेख के फिर मैं दसना, अलम के साए जहान भर को, 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 अलम के साए सलवात सारे पड़ो बाबा से बुलंद। आमीन सारे आखो। या अल्लाह पाक जेडे तेरे हुसैन नाल प्यार करदे ने, शिया ने सुन्नी ने, जो बंदी ने जिन्हां कोल अपने घर नहीं उन्हां नूं अपने घर दे। इलाही आमीन। अच्छा मोमिन नूं घर मिले ना, वो तो फिर बच्चों लैके मिल लो भी गल सुनो, मौला ने घर दे दिता है, हूने वेखो अलम लाना कितने। अच्छा डिसाइड इतने लाइए, जाते भी सलाम आंदे भी सलाम। अच्छा इतने इतने बड़ा रिवाज घट है सिंध च, किबला हिंदुआ ने कर लगा, तो हूँ तो एक अलामा साहब ने सुनिया दे नानी जी चारिया उन्हें आख्या ये अलम जड़ा ना ये सिर्फ शिया का नहीं, ये इस्लाम का परचम है। विद द पैसेज ऑफ टाइम गुजरदा गुजरदा करबला च आया, करबला दे मुहम्मद ने करबला दे अली नू अलम दिता। ये सारे सुन्नी लाओ अपने घर ते अलम लाना सवाब है। ते कई बंदे अलम वेख के ना नहीं उसने जाना तुम गए हो गए पढ़न बाबे हैदर चंग अलम लगे बचकार। अच्छा दरवाजा बहुत बड़ा बना बचकार अलम लगे बादशाह बाबुल हवाई वो जलूस आया उन्होंने कहा सीधे लगना है ना 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 वो सारे इंतजामी आ गए DPO साहब आ गए उन्हें कहा यार देखो ना जरा वो सियासी झंडे लगे नहीं पीपल पार्टी का जमात इस्लामी का PTI का अलताफ भाई का झंडा समझ के लंघ जाओ। उन्हें कहा DPO साहब तुम बादशाह बंदे जे झंडा कि समझियो वो उत्ते पंजा वेखो। मैं किबला जिक्र की कसम मैं सोच सोच के थक गया अलम उथे लगे पंजा बादशाह बाबुल हवाइद दा उथे इनू इथे वक्त पे है मैं सोच सोच के थक गया केड़ी गल अगर गलाई में हाथ होता न जाने क्या तेरे साथ होता।
गाड़ी वाला आदमी नहीं करे, मालिक तुम्हें सलामत रखे। अगर कलाई में हाथ हो मैं बिस्मिल्लाह लाजी करे कटे हुए हाथ बाबा फाके कटे हुए हाथ बाबा फाके तुझे तो अब तक डरा रहे हैं। तुहाड़ी मोहब्बत वेख के मैं एक शेर होर पढ़न लगा। पहले दिन आली हसैन गाजी अब्बास नूं लैके आ गए, झूले लिटाया, मेरी मखदूमा बिला तशबीह डोरी पकड़ी, हसनैन शरीफैन आ गए, अमल जाए डोरी छोड़ दो, छोड़ती है डोरी। सामने आके आली हसैन बैठ गए, गाजी का चेहरा वेख 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 के वेख वेख के फरमान अब्बास याद रखी, ये मेरी आगोश का करम है, तू पंज तन का बना भरम है। बड़े माण हण जहरा दियां धीआं नूं अब्बास दुआ मंगो शाला किसे दा माण ना मुके, किसे दी आस ना टुटे। बहुत लंबे मजमून, मैं बस थोड़ी जी हाजरी हो जाए। रब जाने औलाद अली दी ओ किवें मौत अब्बास दी सह गई, मस्तूरा जणिया खाक उते मां बदल दी बहाली तेरे बाजू खा कते नहीं आए मेरे सर तो जा गए। मैं बिस्मिल्लाह करा कभी रोज सेवा कर मैं हुसैन दे, मैं बिस्मिल्लाह एक बार मैं होर पढ़ लगा। मैं जिक्र दी कसम है, मैं पूरी जिम्मेदारी नाल पढ़ रहा सादात गैर सादात। एक उमल बनीन दे बछड़े लई ओ नौ लख बदमाश मगाए गए दे लालच जर जागीरां दे खत लिख लिख के बुलवाए बुलवाए मनाए गए शबीर दे गल ताई पहुंचन की ते अब्बास दे हाथ कटे मैं दौड़ा नौक ओ जड्डा गाजी ले गया दीन तू ओ करबल विच जशन मनाएंगे शबीर दे गल ताई पहुंचन की ते अब्बास दे हाथ कटे वाए पहले दिन जी करो बार बार आके गाली दिए
चार या पांच मिनट मैं दो एक आंसू आ जाए मैं तुम दुआ करता चला जाऊं। बाबा जी बस मैं इतों शुरू करा चंद बहारां डिठियां गाजी अब्बास इस आरजी जिंदगी दी ए दस्तूर है गाजी दा फजर दी आजान तो पहले अख खुल दिया अखा मलदा होया भैन दे वेड़े दे पासे टुरदा है। मैं बिस्मिल्ला कर जीवें जो भैणा भिरा इंतजार कर दे उन बिस्मिल्ला अब्बास बिस्मिल्ला अब्बास आ जाओ बेटा वुजू कर नमाज पढ़ी फजर दी नमाज जोरैन मगरिबैन पढ़ के गाजी अब्बास इको हवेली आई हूं तो मुसलमान रहन नहीं दी आ सारे कदीमा की हिफाजत करते ने मुसलमान एक किला बना दे सारे कदीमे वो जरा मुहम्मद का बेड़ा है उसका ख्याल नहीं किया बारह मामे दवाना आके आप हिसाब ले दस्तूर बन गया। एक दिन मगरबैन के बाद गाजी अब्बास तशरीफ ले आए बीबी उमर बनीन मुसल्ले ते तशरीफ फरमाहन फरमाया अब्बास जी अम्मा आ बेटा नमाज पढ़ ले अम्मा मैं पढ़ आया किधर पढ़ आया अम्मा मैं अपनी भैन नाल बिरावां नाल केड़ियां भैन केड़े बिरा अम्मा ज़ैनब ते कुलसूम भैन हसन ते हुसैन वीर बेटा बेअदब हो रहे वो बतूल दी औलाद है तू कनीज का पुत्र है अब्बास क्या आख रहे तू वेड़े टुरदा हो से आलिया सैन के कदमा के निशाना ते तेरे पैर आ जाने हसन बेअदब हो रहे हैं अब्बा किबला तरबियत शुरू की थी सदके जावा मैं मामा होन उमल बनी वर्गियाँ फिर ही अब्बास हो गए अलम बन के कपड़े बेटा इस पास टुर टुरिया इस पास टुर इस पास हर जाविए तू मां ने पुत्र नू अलम चाया वेखिया बेटा याद रखी उन्हें तेरिया सेना हुसैन ने तेरा सरदार हुसैन ते अगे नहीं टुरना आलिया सैन ते चेहरे नू नहीं वेखना बिस्मिल्ला कर फजर दिन तो दिन चढ़े फजर का इंतजार आलिया सैन अल्लाह खैर करे आज अब्बास क्यों नहीं आया जोरैन पड़ी नहीं अल्लाह खैर करे जोरैन भी लंघ गई अब्बास नहीं आया कुलसूम अपना बुरका पाइया मेरा चाहिए आ बेरा दा पता करिए इको हवेली रुकते हैं गाजी अब्बास जमीन ते बैठ के ना जोरैन पढ़ के ते लकीर मार रहे ने ते सबक याद कर रहे ने हुसैन सरदार है आलिया सैन तेरी मखदूमा है हुसैन दे अगे नहीं टुरना सैन दे चेहरे अल नजर नहीं कर रहा आलिया सैन सिर ते पहुंचे नब्बास खैर अज साढ़े वेड़े क्यों नहीं आया गाजी अब्बास उठे आलिया दे पैरां जगह ते हाथ इन करके खलो गए सैना के अब्बास क्यों नहीं आया जी अब्बास मैं तेरे बोल रही हूं मेरे वेख नहीं अच्छा मैं कौन हूं तुस मखदूमा हो तू कौन है मैं तुहाडा नौकर बीबी आ गया जे नौकर है तो साढ़े वेड़े क्यों आने हाथ जोड़ के दे पिछली माफी दियो हुण ना सा पढ़ी अला जिंदगी करे इंसान तशरीफ फरमा बस मैं थोड़ा जो बचपन पढ़ के इंशाल्लाह मैं एक दो बंद पढ़ के छोड़ दें अली हसैन सामने गाजी दिया खत अब्बास मैं तेरी सैन जी मैं तेन सैन हो के हुक्म दे रही हूं मेरा वेख जिमें जो सैन आ गया मैं तेन सैन हो के हुक्म दे रही मेरा वेख बीबी कुलजूमा दी ना वेख अब्बास दे चेहरे ते मौत दी सर्दी आ गई तू आ दी मेरे वेख मां दी खबरदार
ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਵਫਾ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਕੁਰਾਨ ਅਲਾਮਾ ਹਿੱਲੀ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਨਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ 40 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਸੈਣ ਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੀ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ। ਮੰਨਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੁੱਤਾ, ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ, ਤੋ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਬੁਰਕੇ ਵਾਲੀ ਮਸਤੂਰ ਤਸ਼ੀ, ਅਲਾਮਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਗਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮਖਦੂਮਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ 40 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ। ਵੇਖ ਕੇ ਆਦੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਅੱਬਾਸ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਛੋੜਾਂ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ। ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖੇਮੇ ਸੈਣ ਸਕੀਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਲੀ ਜਾਨ ਚਾਹ ਕੇ ਗਏ, ਗਾਜ਼ੀ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਖੇਮੇ 'ਚ 9 ਵਾਰੀ ਆਈ। ਨਵੀਂ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਹੈ ਬੀਬੀ ਲਬਾਬਾ ਖਾਤੂਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਜਾਮ ਚਾਹ ਕੇ, ਬੀਬੀ ਸਕੀਨਾ ਟੁਰਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਬੀ ਸਕੀਨਾ ਟੁਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਖਲੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ। ਸਕੀਨਾ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ। ਸਕੀਨਾ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ। ਸਕੀਨਾ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ, ਆਖਰ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਆਦੀ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਇਤਨੇ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਛੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਫੂਲ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖੇ, ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਗੱਸੇਣ ਤੁਸਾਂ ਜੇ ਨਵੀਂ ਵਾਰ ਆਇਓ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਕਾ ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਸੈਣ ਸਕੀਨਾ ਆਖਿਆ, ਚਾਚੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਦੀ ਅੱਬਾਸ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਚਾਚਾ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅਸਕਰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅਸਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੇ ਹੋਂਠ ਨੀਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਖਦੂਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ, ਆਓ ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਜਾਣੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ, ਮਸ਼ਕ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਪਵਾਓ। ਕਾਜ਼ੀ ਅੱਬਾਸ ਮਸ਼ਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸੈਂਡ ਨੰਬਰ ਪਾਈ। ਬੀਬੀ ਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ, ਕਾਜ਼ੀ ਅੱਬਾਸ ਜਵਾਨ, ਵੀ ਮਸ਼ਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਚਾਚਾ ਜਿਕਾ ਹੋ ਜਿਕਾ ਹੋਏ ਜਾਜਾ, ਹੋਰ ਜਿਕਾ ਹੋਰ ਜਿਕਾ ਹੋਏ ਜਾਜਾ, ਹੋਰ ਜਿਕਾ ਹੋ ਅੱਬਾਸ ਇਤਨਾ ਝੁਕੇ ਜੋ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਸੈਣ ਸਕੀਨਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਦਰਿਆ ਦੀ ਕੰਧੀ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਅੱਬਾਸ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸੀਤੇ ਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਆਈ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਅੱਲਾ ਕਦੇ ਰੋਵੋ ਸਿਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਟੁਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਟੁਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਸ਼ਕ ਪਵਾ ਕੇ, ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਰਜਤ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਵੇਖ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅੱਬਾਸ ਹੀ ਛੋੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਆਏ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਕਈ ਨਾਰੀ ਫਿਨਾਰ ਕੀਤੇ, ਮਸ਼ਕ ਭਰੀ, ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਖਿਆਮ ਦੇ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਫੌਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਸੱਜਾ ਬਾਜ਼ੂ ਕਲਮ ਹੋਏ, ਦੂਸਰੇ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਖੱਬਾ ਬਾਜ਼ੂ, ਇੱਕ ਤੀਰ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮਸ਼ਕ ਹੀ ਲੱਗੇ, ਮਸ਼ਕ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਿਆ, ਉਹ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਆਸ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਗਾਜ਼ੀ ਜ਼ੀਨ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਏ, ਬਸ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰ ਛੋੜਨ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ। ਔਖਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੌਖਾ, ਹੁਸੈਨ ਵੀਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਮਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈਦ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨਵੀਦ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸ, ਬਿਰਾ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ 'ਤੇ ਸੌਖੇ ਆਉਂਦੇ? ਆ ਗਿਆ ਹੁਸੈਨ ਸਰ ਅੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ 'ਚ ਗਾਜ਼ੀ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਤੀਰ, ਇੱਕ 'ਚ ਖੂਨ। ਆਹ ਅੱਲਾ ਭਲੇ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਰ ਤੰਤ ਜੁਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਆਵਣ ਦਿਓ। ਹੁਸੈਨ ਲਾ ਬਿਲ ਹਿਲਾਏ ਨਾ ਬਾਜ਼, ਉੱਠ ਤੇਰਾ ਗਰੀਬ ਰਾਗੀ ਕੰਬੇ ਅੱਬਾਸ, ਰੋ ਕੇ ਆਦਾ ਮੌਲਾ ਇੱਕ ਅੱਖ 'ਚ ਮੇਰੀ ਤੀਰ, ਇੱਕ 'ਚ ਖੂਨ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਖੂਨ ਸਾਫ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋਸਨ। ਖੂਨ ਸਾਫ ਕੀਤੇ, ਅੱਬਾਸ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ,
तड़पे मौला मैं तेरा नौकर हूं, मैं तेरे हुक्म वास्ते दुनिया ते आया, मेरा एक कम कर, मैं तेरी लाश खैमे लेके जानी है। तड़पे अब्बास रो के आदा मेरी लाश न चा मैं अकबर नहीं, ओ रो गाजी ने फरमाया मैं देह दलिया जिवे टेक के तलिया ते अकबर ने बाही पाया, ओ तेरा पुत्र ने साथ निभाया, मजबूरी है मेरे बाजू कोई नहीं तू थका होया।